Good morning, guys. Good morning, everyone. चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम. So what we were doing in last class? क्या क्या किया था हम लोगों ने? सारे लोग आ गए? क्या ले रितेश? विजिबल है सबको? चलिए हमें पता है इसके अंदर क्या करना है. वी हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर हियर. ठीक है, वी हैव टू गो थ्रू द वर्ड्स, रीड द सेंटेंस एंड फाइंड द करेक्ट आंसर. ओके, तो एवरेज इज गोइंग टू बी विद अ होल लॉट ऑफ गेम्स. हमें देखना था पहले वर्ड रिटायरिंग रिजेक्टिंग, दो वर्ड्स तो पहले हो नहीं सकते थे इन द कमिंग मंथ्स बिकॉज ए बी डजंट मेक एनी सेंस, ई डजंट मेक एनी सेंस, वी कैन गो विद सी और डी, मतलब ए हो सकता था यहाँ पे. तो विद अ लॉट होल लॉट ऑफ गेम्स रिलीजिंग और लॉन्चिंग इन द कमिंग मंथ्स फ्रॉम द पोस्ट अपोकैलिप्टिक जॉनर, everybody will be able to explore or visualize the world after the unthinkable has happened. So everybody will be able to explore the world after unthinkable has happened. So yes, C sounds much fine. Or वैसे भी game के लिए, in case ऐसा होता तो हमारे पास दूसरा word होता, we can use launch. ठीक है, लेकिन हाँ releasing is a word. So yes, C is correct. Aniket और बाकी सब लोग खुशी मनु, yes. ठीक है, we will go with C. With a whole lot of games releasing in the coming months from the post-apocalyptic genre, everybody will be able to explore the world after the unthinkable has happened. देखो, visualize is like something कि visualize तुम कर ही रहे ना, मतलब there is nothing like कि जो हमें दिखा नहीं है. Everything is like we are able to see everything. But ऐसा है ना कि जो गेम्स हैं वो बात की वर्ल्ड को दिखा रहे हैं अलग अलग जगह को, तो सिर्फ एक्सप्लोर कर पाएंगे. विजुलाइज तो करना इज लाइक समथिंग यू डोंट हैव टू इमेजिन एनीथिंग. वी आर लिविंग इन द सेम टाइम, हम सेम जगह पे रह रहे हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि वी हैव टू इमेजिन एनीथिंग, वी कैन जस्ट एक्सप्लोर द वर्ल्ड. ऐसा ओके. सर डी ऑप्शन होगा इसका, डी ऑप्शन होगा इसका.
Let me see this thing. Okay, at a store. Yes. सफेद लग रहा है. At a dash store recently launched by a Kochi based startup at the city's cool stock and mall. Customers get a hands-on experience of what cashierless shopping feels like. It's a cashier like, not cashless. It's like there is no cashier, no person on the counter. Nice. और आई गेस सबको पता है हैंड्स ऑन हम इस तरीके से यूज करते हैं. ठीक है, क्या मतलब होता है हैंड्स ऑन का? मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज. प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ समथिंग. यस ठीक है, बिल्कुल. मतलब यू आर एक्चुअली एबल टू डू और लाइक एक्सपीरियंस सम स्टफ. ठीक है, योर विद योर एक्टिव पार्टिसिपेशन इनटू एनीथिंग. तो यस, वहां पे हम लोग यूज करते हैं. तो यस, बाकी हैंड्स फ्री तो बिल्कुल भी नहीं है. Lifetime experience जैसा भी कुछ नहीं है. It's not like you are going to witness some kind of anomaly. Realistic, true. ठीक है, yes, hands on is fine. ठीक है. पहले वाले में कुछ भी चलता था. पहले वाले में at a automated store इतना भी चल सकता था. Fully मतलब पहले वाले में बहुत सारे words जा रहे थे. Second वाले word के साथ we are sure this is the correct answer. Okay, next is this. Sir, see. See. Yes. Holding simultaneous elections to the Lok Sabha and State Assembly may have larger benefits, but there is a perception that it could disadvantage regional parties. Yep. We will go with C. C is the correct one. रैम्पिफिकेशन का क्या मीनिंग है? रैम्पिफिकेशन क्या होता है? कोई और पता है? नहीं नहीं बता रहे हो बताओ. क्लास में बाकी लोग. व्हाट इज रैम्पिफिकेशन? क्या हमने इस ऑप्शन को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमें इसका मीनिंग नहीं पता? ऐसे माइक ऑन करके जल्दी से बताया करो. कॉम्प्लिकेटेड. Implications. Yes, implications, ramification, unexpected. देखो, ramification is basically something. अच्छा, ये जो word लिखा है complicated implication. I can use them both. मतलब दोनों को use कर सकते हैं हम लोग. किसी चीज में से if there are branches shooting out a complex structure, ठीक है, उसके लिए हम लोग use करते हैं ramification. ठीक है, ramification का मतलब होता है कि if there are any मतलब ऐसा बोले कि किसी भी एक पॉइंट से, किसी भी टॉपिक से या किसी भी चीज की बात चलिए, उसमें से देर आर सेवरल ब्रांचेस, सेवरल पॉइंट्स, सेवरल डिफरेंट पॉइंट्स, सेवरल डिफरेंट एस्पेक्ट्स. ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रैमिफिकेशन. गॉट इट? ओके सर. सब डिविजन या अनबोल सब डिविजन बोल सकते हैं, बिल्कुल सही. चलिए, नेक्स्ट इज सर. इसका आंसर डी लग रहा है मुझे. नहीं, ए, सॉरी, ए. But the people of Telangana are going to dash him by what he did in the last 4 years and not by what he dashed to do in the next few weeks. Yes, but the people of Telangana are going to judge him by what he did in the last 4 years, not by what he intends to do in the next few weeks. He would say. करेक्ट. ठीक है, सबको कोई किसी को डाउट नहीं होगा. इजी वाला भी. नेक्स्ट देखते हैं. सर इसको सी हो सकता है.
Yes. The large scale mobilization of troops by Syrian government and its allies around the province has led to speculation about an imminent attack as well as calls to avoid a humanitarian catastrophe. Correct. ठीक है तो ये इसका हो जाएगा सी सी इज करेक्ट. असिमिलेशन इकट्ठा होने के बोलते हैं असिमिलेशन. Assimilation उस सेंस में भी बोलते हैं ना वो कुछ एब्जॉर्ब करने वाले सेंस में assimilation assimilate होना to absorb something. Yes, intestine से जो होता है assimilate. Assimilation उसमें भी बोलते हैं इसलिए that's why I went for the word कि यहाँ कुछ इकट्ठा होना उस वाले सेंस में जाता है तो yes absorption. Mutilation mutilation mutilate से वर्ड आया ना yes होता है mutation something like that. सर मुझे तो लग रहा था कि जो म्यूटिलेशन है वो जो जैसे म्यूटिलेट कर देता है चीर फाड़ कर देता है कुछ ऐसा लग रहा था मेरे को तो. हाँ वैसे ना मतलब समथिंग इंपेरिशन इंपेयर ऑफ समथिंग हां समथिंग ऐसा. यस सर म्यूटिलेशन टैक्टिक. यस बाकी सारे वर्ड्स यू आर फाइन. एमिनेंट क्या होता है व्हाट इज एमिनेंट मतलब प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट वाले सेंस में यूज करते हैं एमिनेंट को. यस मतलब समवन हु इज इंपॉर्टेंट. यस सर मतलब जो मतलब घटित होने की जिसकी बहुत ज्यादा चांसेस हो एमिनेंट. सुना है एमिनेंट पे एमिनेंट पर्सनालिटी बोलते हैं. घटित होने की चांस वाला क्या था एमिनेंट में मतलब समथिंग व्हिच इज अबाउट टू हैपन ऐसा. जिसको सब जानते हैं इस टाइप का उसके लिए यूज करते हैं एमिनेंट. ठीक है कोई अगर हुई समवन हु इज पॉपुलर तो उसके लिए यूज द वर्ड एमिनेंट. ठीक है यस स्पेशली फेमस बोल सकते हैं बिल्कुल सही. इमिनेंट इमिनेंट इज समथिंग विच इज. अच्छा दीप्ति वाज टेलिंग अबाउट दिस इमिनेंट आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस एमिनेंट. ओके इमिनेंट का होता है समथिंग अबाउट टू हैपन कुछ होने वाला है उसके लिए राइट. अनप्लेजेंट इमिनेंट नहीं अनिकेत इमिनेंट हो जाएगा समथिंग विच इज अबाउट टू हैपन समथिंग विच इज अबाउट टू टेक प्लेस. गॉट इट. नेक्स्ट सर इसका प्रोबेबली ए आई थिंक ए वुड बी. ओके सर बी लग रहा है. बी लग रहा है चलिए दोनों लेते हैं. क्या हो रहा है तो अंकित आवाज नहीं आ रही. अंकित यू आर स्पीकिंग और रितेश फोन कर रहा था. सर नेटवर्क प्रॉब्लम था. सर नेटवर्क प्रॉब्लम था अभी ठीक है. चलिए नाइस. तो इसका ए होगा क्या
डिस्पाइट सेवरल अटेम्प्ट्स एट अ रीसेट आई गेस या मेरे को भी यही लग रहा है एंड बी किसने बोला था अभी रितेश आपने ये आफ्टर के साथ कंफर्मिंग ही आ रहा है बस अच्छा अनिकेत ने बोला था बी Despite several attempts at a reset, ties between India and Nepal continue to be cause of concern. The disconnect between the two, the discontinuation between the two, nahi. The discontinuation of something hoga na. Agar discontinuation word use karna hoga, to we have to tell ki kis cheez ka discontinuation. Wo kya discontinue kiya unhone? The disconnect ka matlab hai ki unke dono ke beech mein jo connection government nahi hua hai sara. So discontinuation between the two government nahi. Still you have to tell the process ki kya cheez discontinue ki thi. Getting my point? Yahan pe kya hai? When we are saying the death between the two government, to inke beech mein disconnect bolenge hum log. Haan, discontinuation nahi bolenge. Theek hai? Was most visible at the Seven Nation Day of Bengal or initiative for multi-sectoral, technical, economic, whatever. Theek hai? After confirming its participation. Okay, after confirmation of its participation, after confirming its participation in the exercise in June, the Nepalese army was made to withdraw its contingent due to a political decision. So yes, theek hai, bilkul A wala is fine. Theek hai. Yes, isliye bhi hoga. Dekho, pehli cheez second word also. Second word bhi discontinuation hum nahi bol sakte the. Aisa nahi ki agar upar confirmation hota to hum aisa kar lete. Discontinuation bhi galat hai. चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर बी ऑप्शन Yes, बिल्कुल सही बी इज करेक्ट एंड आस्किंग हेल्दी बैंक्स टू टेक ओवर वीक बैंक्स अपीयर्स टू बी द स्ट्रेटजी अप्लाइज टू बी द स्ट्रेटजी नहीं आई गेस पहला वाला ही काफी ज्यादा हद तक हमें सॉल्व करने में हेल्प कर दे रहे हैं फर्स्ट लाइन ही है ना तो यस बी इज करेक्ट Next. Sir, C होगा इसका C होना चाहिए I think. After years of arguing over whether Pluto is a planet, 2006 International Astronomical Union issued to remove Pluto's planetary status. Yes. Now some researchers are challenging this decision, citing the manner in which scientific tradition has dealt with the taxonomy of planets. Yep, C is correct. ठीक है चलिए नाइस देखिए सब कैसे आ रहे हैं नेक्स्ट वन सी सर इसका सी होगा Yes. Yes.
बिल्कुल सही, सबका सही है, आई गेस इसके अंदर वोकैबुलरी भी इजी है. नेक्स्ट लास्ट वन, इस एक्सरसाइज का लास्ट, इसके बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Sure. So, this one. Union government decided to take the ordinance dash to enact a diluted version of its law making instant triple talaq a criminal offense is a sign of dash impatience. See, unruly impatience. This is a matter that required depreciation. No. Yes, A sounds better. है ना? This is a matter, मतलब ऐसा कि if you are not like हम किसी एक word पे देख सकते हैं, this is a matter that required determination हो सकता था, ठीक है? Deliberation is fine, depreciation is not fine, declaration doesn't make any sense here, declaration को भी मतलब नहीं निकल रहा, ठीक है? Depreciation गलत होगा यहाँ पे. And determination हो सकता था, but deliberation is fine, बाकी उसके according, ठीक है? And yes, undue impatience, and the union cabinets decide to take the ordinance route to enact a diluted version of its lawmaking. So yes, we'll go with A. A is correct. Yes, Aniket, people say. Unruly. Sonakshi, unruly means something which is not following any rules, but basically something which is out of control. Aisa, unruly. Okay. Now give me a sec. We'll start for the next exercise. चलिए लेट्स लुक एट दिस एक्सरसाइज. बस यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा बताना पड़ेगा बिकॉज ब्लैंक्स यहाँ पे सही तरीके से नहीं दिए इसमें. आई विल लेट यू नो.
Okay, this is the first volume. We have blank here. It is dash. The political leadership gets the next blank is here. ठीक है, ऐसे भी थोड़ा सा imagine करके करना, क्योंकि अभी इसमें कुछ changes करने थे मुझे. ठीक है, it is dash. The political leadership gets the dash to change for the better. You have to find again in each four options में से. Sir, D option. Yes. And now it is time. The political leadership gets the system to change for the better. ठीक है, next देखते हैं. Second. Next blank is here. Sir, D. Both the countries should not forget their past dash while working towards a progressive dash. Yes. So hostility, confrontation, कुछ नहीं होता यहाँ पे. Yes. Past partnership to work towards a progressive future. D is correct. ठीक है. Next. There is a blank. Sir, yes, traditional medicine has relevance, you know, has relevance in areas like chronic and degenerative diseases where modern medicine is yet to develop. Bilkul sahi. Second is correct. B. Next dekhte hain. There have been other committees which had dashed these problems and had made practical dash. B option. फिर से देखो, नहीं, बी इज नॉट करेक्ट. क्या होगा? सी भी हो जाएगा ना. डी देखो, देयर हैव बीन अदर कमिटीज व्हिच हैड दीस डैश दीस सॉल्यूशन दीस प्रॉब्लम्स. जिन्होंने इस प्रॉब्लम को क्या किया है? एग्जामिन किया है. एग्जामिन किया, यस. और उसके बाद दे हैव मेड क्वाइट प्रैक्टिकल प्रपोजल्स. ठीक है, अगर हम सेकंड वाले पे देख रहे थे, वेंचर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंचर? कॉज ऑफ नो वेंचर, किसी चीज को ज्वाइन करना. नहीं यार, ये थोड़ा सा भी समझा करो, चीज मतलब कुछ चीज नई स्टार्ट करना. या यस, बिल्कुल सही. किसी चीज कोई नई चीज स्टार्ट करना मतलब किसी अनएक्सप्लोर्ड पाथ पे चलना, मतलब टू स्टार्ट समथिंग व्हिच इज नॉट लाइक यूजुअल. ठीक है, जो हमेशा जैसा नहीं होता, उससे कुछ अलग करना है, इट इज कॉल्ड वेंचर. दैट्स व्हाई आपने कहा ना, उसको ज्वाइन करना. एक्चुअली जॉइंट वेंचर जो बोला जाता है जब बिजनेस काइंड ऑफ थिंग, उस वाले वर्ड में, उस कॉन्टेक्स्ट में जो हम लोग यूज करते हैं, उसका मतलब. हाँ, यस, बिल्कुल सही है निकेत. यू आर स्टार्टिंग समथिंग विच इज नॉट हैज बीन डन येट एंड विच इज काइंड ऑफ रिस्की. ठीक है, तो वो होता है वेंचर करना. ठीक है, तो यस, वेंचर के लिए हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं. रिस्क इज फाइन. तो वेंचर डजंट मेक एनी सेंस विद द दिस प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पे सही है एग्जामिन and then proposals. तो ये हमारा सही हो जाएगा, सी वाला. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. As a dash of systematic inadequacies, India as a nuclear weapon state is yet to resolve the dash of organizing its defense forces. Sir, A option. Sandeep, ये sounds better. देखो जरा. As a consequence of this systematic inadequacies, है ना, India as a nuclear weapon state is yet to resolve the dilemmas of organizing defense forces. अच्छा, B वाले को भी देखते हैं. B में शायद दो लोगों को लगा. As a flaw of systematic inadequacy खुद एक flaw होगा ना, देखा जाए तो, मतलब if you are talking about it. तो सिस्टमेटिक इनएडिक्वेसी अगर है, कुछ भी सिस्टम में हमारे इनएडिक्वेट है, हाँ, तो उसे वो खुद फ्लॉ होगा, उसका फ्लॉ थोड़ी होगा कुछ. ठीक है, तो इसलिए वाला तो नहीं होगा. रिजॉल्व द डिस्प्यूट हो सकता था एक बार को. ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर, बी बी सही लग रहा है. अनिकेत, बी का ही तो बता रहा हूँ मैं, बी सही क्यों नहीं होगा? तुम्हारे पहले के मैसेज क्या आ रहे हैं? अनिकेत, बी कैसे लग रहा है मेरे को बताओ जरा. सी थोड़ा देखिए, सी भी थोड़ा रिलेवेंट लग रहा है.
को लिखते हैं as a standpoint of systematic inadequacies. Okay. India as a nuclear weapon state is yet to resolve the chaos of organizing its defense forces. ये chaos क्यों होगा? How मतलब यार नॉट ये इस चीज को मतलब we have to resolve the chaos of organizing. इसको करने के लिए देखो if we have something in something inadequate in our system, ठीक है? Then it is kind of confusion वाली state या फिर dilemma की हाँ we have to do something, ठीक है? हमें किस तरीके से अपनी problem को solve करें? It is not chaos. Chaos थोड़ी हो जाएगा ये. अच्छा अनिकेत B क्यों लग रहा है मेरे को भी बताओ जरा अभी. सर सर ये ज्यादा अच्छा ये है पर बी भी सही लग रहा है. सही लग रहा है नहीं सही लग रहा था कहो. टेल यू व्हाई. देखो अब सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है. देखो क्वेश्चन एक चीज बताता हूँ. देखो पांच अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं ना तीन अगर हम लोग उसमें सही कर ले रहे हैं तो दो जो होते हैं ना वो सही करना बहुत जरूरी होता है. थोड़े से अलग तरीके के होते हैं. तो सब अगर तीन सही कर ले रहे हैं उसके बाद दो में कुछ लोग गलती कर रहे हैं तो अभी वो नहीं करना है. मैं आराम से समझना है कि है क्या. एज अ डैश ऑफ सिस्टमैटिक इनएडुकेसी. सिस्टमैटिक इनएडुकेसी क्या होता है? सिस्टमैटिक इनएडुकेसी मीन सिस्टम की कमी या इनएडुकेसी मतलब कोई चीज जो एडिक्वेट नहीं है काफी नहीं है इनफ नहीं है. ठीक है तो क्या रिजॉल्व डिस्प्यूट था इसलिए. अरे रिजॉल्व डिस्प्यूट इज वन थिंग. मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ये तो सारे दिस इज समथिंग लाइक अ बेट. ठीक है अभी एक वर्ड को ऐसा लगा देंगे कि आप उसके लिए जाओ लेकिन आपको दूसरे वर्ड पे भी तो ध्यान देना है. ये चीज है ये तो बेट की तरह यूज किया जाता है. ऐसे बहुत सारे आपको ब्लैंक्स मिलते हैं जो आपको बिल्कुल ऐसा होता है कि हाँ यार इसके साथ ये जा रहा है तो हम एक ही पे ध्यान देके कर रहे हैं. एक पे ध्यान नहीं देना आपको दोनों पे ध्यान देना है. इसीलिए तो दो ब्लैंक्स हैं ये अलग अलग वरना सिंगल करके नहीं देते. ठीक है कभी भी एक पे एक वर्ड पे ध्यान देके नहीं करना है. इफ यू आर श्योर दूसरे वर्ड के बारे में भी देन यू हैव टू मार्क दैट वन. ठीक है अभी ऐसा नहीं होगा कि ये तो परफेक्ट लग रहा है यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं. ऐसे काम नहीं चलता है. कि डिस्प्यूट तो परफेक्ट है इसके साथ में लेकिन फ्लॉ चलो चल जाएगा. फ्लॉ ही तो है. तो एज अ फ्लॉ ऑफ सिस्टमैटिक स्टैंड पॉइंट का यूज कैसे होता है? देखो स्टैंड पॉइंट इज समथिंग बेसिकली अपने आप को खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है. स्टैंड पॉइंट वही होता है कि जिस पॉइंट पे आप स्टैंड कर रहे हो बेसिकली व्हाट इज योर जो भी आपको ना कि आपकी क्या बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स क्या है उसे बोल सकते हो. ठीक है स्टैंड पॉइंट इज दैट थिंग. तो भी एज अ स्टैंड पॉइंट ऑफ सिस्टमैटिक इनएडुकेसीज बहुत ज्यादा सेंसिबल नहीं था इसका मीनिंग. ठीक है तो अभी इसमें बोला ना स्टैंड पॉइंट मतलब अभी व्हाट आर योर प्रिंसिपल्स क्या आप सोचते हो किस चीज के बारे में. व्हाट आर योर वी कैन कॉल इट व्हाट आर योर पर्सपेक्टिव्स है ना पर्सपेक्टिव अबाउट समथिंग. तो एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ सिस्टमैटिक इनएडुकेसीज अगर हम ऐसा बोलना भी चाहें कि एज अ पॉइंट ऑफ समथिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर हम इसे लगाना चाहें. ठीक है स्टैंड पॉइंट इज इटसेल्फ एन एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट? देखो इफ आई आस्क व्हाट इज योर स्टैंड पॉइंट इट्स लाइक या लाइक ऑफ अ पॉइंट वी आर मेकिंग या Standpoint is something. What is your view about something? ठीक है. What are your perspective about something? Standpoint वो होता है. ठीक है. So as a, if I say, ये मेरा point of view है. As a point of view of systematic inadequacies. ठीक है. चलो ठीक है. अगर मैं ऐसा बोल रहे हैं, as a view of अगर हम इस part को देखें तो second word chaos doesn't make any sense. Yet to resolve the chaos of organizing. अभी ऐसा है ना कि resolve the chaos, but हमें पता नहीं है कि chaos हो रहा है नहीं हो रहा है. हम तो बस इतना कह रहे हैं कि ये कमियां हैं. उसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन हो सकता है. नाउ एक और चीज सबसे जरूरी है. हम एक एक वर्ड पे ध्यान दे भी सकते हैं. ठीक है कि कौन सा वर्ड आना चाहिए. मेन थिंग इज कि हमें देखना होता है कि कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट हो रहा है. कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट है एज अ रिजल्ट. अभी कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग. तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिस्टमैटिक इनएडुकेसी सिस्टमैटिक कमी की वजह से इंडिया एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट इज येट टू रिजॉल्व द डिलेमास ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इट्स डिफेंस फोर्सेस. इंडिया को अभी भी इस कंफ्यूजन से लड़ना है कि कैसे हम अपनी डिफेंस फोर्स को ऑर्गेनाइज करें. जब ये हमें सही लग रहा है इसमें सारे पॉइंट सही जा रहे हैं इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ रहा है. ठीक है तो वाई वी हैव टू गो फॉर अनदर. लेकिन हाँ ये चीज जरूरी है किसी भी पॉइंट को रिजेक्ट करने टाइम वी शुड बी श्योर कि इसका मतलब क्या है और हम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं. ये चीज है. अगर आपको एक एक्यूरेट कुछ मिल गया है अच्छी बात है.
लेकिन यहाँ पे भी आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि डिस्प्यूट तो चलो ठीक है चल जाएगा लेकिन फ्लॉ सही नहीं था वहां पे, ये भी हमें सबको पता होना चाहिए ठीक है। अभी वहां पे यू नो ऑप्शन आया नहीं ना वाला क्या बोलते हैं उसे पर्सनलाइज्ड आंसर वाला ठीक है। आगे शायद ऐसा भी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कर सकते हैं कि कौन सा लेना चाहोगे ठीक है। यू कैन फॉर्म योर अनदर ऑप्शन ठीक है, एक ई ऑप्शन बनाते हैं इसमें बताओ क्या लगाना चाहोगे। तो यहाँ से ये ऐसा ठीक है तो यस इट्स फाइन ठीक है तो ईज ठीक है लेकिन पर्सनलाइज वाला आएगा तो हम कर सकते हैं निकेता सर ठीक है कि हम ए से कॉन्सिलियंस लेना चाहेंगे बी से डिस्प्यूट। अच्छा एक और चीज बताओ जरा मेरे को केवल रिजॉल्व की वजह से डिस्प्यूट सही लग रहा है व्हाट अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि अगर हम एक वर्ड के वर्ड को समझ रहे हैं कि डिस्प्यूट अच्छा लग रहा है केवल रिजॉल्व की वजह से डिस्प्यूट अच्छा लग रहा है हमें तो बताया नहीं कि डिस्प्यूट कहां है यहां पे किसी चीज से डिस्प्यूट थोड़ी बताया गया सेंटेंस के अंदर। क्या डिस्प्यूट के साथ बिटवीन नहीं यूज होता, अरे होता होगा एग्जैक्टली मैं वही तो कह रहा हूँ डिस्प्यूट यहाँ पे हमें पता ही चला है डिस्प्यूट किससे है किसी से भी नहीं है। इट्स लाइक वी एज अ कंट्री वी हैव टू डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू डिस्प्यूट इन डिफेंस फोर्सेस। आई हैव लाइक विच वर्ड इज गिविंग यू द आइडिया कि वहां पे डिस्प्यूट की कोई बात चल रही है, सिस्टमेटिक कमी है, हम कंफ्यूज अभी करें क्या हम लोग ठीक है। डिस्प्यूट थोड़ी है इसमें, डिस्प्यूट होता तब जब कोई जनरल कुछ बोल रहा है और सामने से कोई और कुछ और कह रहा है वो डिस्प्यूट वाला पार्ट होता कि हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना है अभी कैसे बनाया उस पर देर इज नो डिस्प्यूट वी आर जस्ट कंफ्यूज कि हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि वी हैव सम सिस्टमैटिक इन एजुकेसी वी आर नॉट लाइक वी हैव डोंट हैव इनफ पावरफुल सिस्टम और वट एवर जो भी वहां पे टेक्नोलॉजी की बात चल रही होगी मे बी ठीक है। तो उसकी वजह से वी कैन बी कंफ्यूज ठीक है वी माइट बी इन डिलेमा कि भी कैसे क्या करें आगे चीजें सॉल्व कैसे करें लेकिन डिस्प्यूट का तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं इसके अंदर ठीक है। तो डिस्प्यूट को हम इसीलिए नहीं आ सकते थे एंड ममता ऐसा हो सकता था ना कि हम लोग अगर डिस्प्यूट की बात करें डिस्प्यूट में अगर हम रीजन देते हैं तो हम लोग ऑफ भी लगा सकते हैं कि किस चीज का डिस्प्यूट डिस्प्यूट बिटवीन भी होता है बिल्कुल सही है अगर हम दो पार्टी के बीच में इसकी बात कर रहे हैं तो ओके नेक्स्ट सेकंड ब्लैंक इज हियर बी होगा इसका नेक्स्ट ऑप्शन ये यहाँ पे आ गया मैं बस सर्चिंग फॉर इट ठीक है सी वाले का। इट इज डैश दैट अ पार्टी व्हिच क्लेम्स टू बी द सेवियर ऑफ द पुअर इज द कॉज ऑफ रिच फार्मर्स डैश पैराडॉक्सिकल यस सर अगर हम इसको मतलब सार्केस्टिकली ले तो ए भी हो सकता है इट इज विम्सिकल दैट अ पार्टी व्हिच क्लेम्स टू बी द सेवियर ऑफ द पुअर मतलब जो पार्टी पुअर्स को बचाने का क्लेम करती है वो रिच फार्मर्स की प्रोग्रेस को रोक रही है मतलब थ्वार्टिंग का मतलब तो ये होता है कि कुछ आगे बढ़ने से किसी को प्रिवेंट करना है समथिंग तो आई थिंक अगर हम सार्केस्टिकली देखें तो ए ऑप्शन भी ठीक हो सकता है। It is amusing that a party which claims to be savior. Whimsical is not amusing. Whimsical amusing होता है क्या? क्या? Mysterious होता है. It's like something crazy kind of thing, ना? Something which is crazy, something which is like not normal. वही सर जैसे illogical kind of thing. फैंटेसी से रिलेटेड बिल्कुल सही ठीक है अनस्टेबल अमेजिंग एंड प्लेजेंट थिंग पर आईडी दिखा रहे तो मे बी पैराडॉक्सिकल इज अ बेटर वर्ड बट वी आर नॉट श्योर आयरनी दिखा रहे नहीं बिकॉज़ इफ वी हैव अनदर ऑप्शंस व्हिच इज नॉट शोइंग आयरनी व्हिच इज टॉकिंग इन द रियल सेंस वी विल गो फॉर दैट वन
सेंटेंस से तो यही लग रहा है ना कि ऐसा बोला जा रहा है कि पार्टी विच क्लेम्स टू बी द सेवियर ऑफ द पुअर इज द कॉज ऑफ रिच फार्मर्स, तो मतलब दिस इज एन आयरनी इन अ वे कि मतलब उससे वो पार्टी क्लेम कर रही है कि वो गरीबों की हेल्प कर रही है बट एक्चुअली इट इज हेल्पिंग द रिच फार्मर्स. अच्छा आई टेल यू व्हाट नेक्स्ट वाला पार्टी जो वर्ड है ना, हम जैसे इफ यू आर कॉलिंग इट क्रेजी, इफ यू आर कॉलिंग इट एबनॉर्मल, अभी अब आप इसे एबनॉर्मल या अनस्टेबल बोल रहे हो इस वाली चीज को, ठीक है, तो उस वाले इट इज क्रेजी कि जो ऐसा था वो इसको ये कर रहा है, तो ये आयरन आयरनिकल कैसे हो गया? नहीं सर, मैं तो बी ऑप्शन के साथ जा रही थी. अच्छा बी के साथ जा रही थी, ओके, तो ए के साथ जो जा रहे थे उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो अभी अगर हमें से वो बताना है ना, अगर हम इसे क्या बोलेंगे सरकास्टिक बोलना है, तो सरकास्टिक में हम ऐसा बोल सकते थे, उन्होंने कहा था कि वो तो रिच के साथ दे रही है, वो तो पुअर के साथ करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ होता वो होता सरकास्टिक, कि वो तो रिच मतलब कुछ उल्टा तो बोलना होता, उसमें तो उल्टा बोल ही दे रहे हम लोग, हम सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा था फिर ऐसा हो रहा है, सरकास्टिक कहाँ रहेगी टोन. किसी ने अनजाने में गरीबों की हेल्प कर दी, बट वी नो दैट दे आर गोइंग टू सपोर्ट द लाइक रिच पीपल, तो अभी वहां पे यू कैन यूज, अरे ये कैसे हो गया, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं सारे ऐसा, या फिर रिच फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं ऐसा कुछ, इट इज नॉट क्रेजी दैट अ पार्टी. अभी क्या है ना, यहाँ पे अगर आप जो वर्ड यूज करोगे व्हिमसिकल, व्हिमसिकल इज नॉट एक्चुअली सपोर्टिंग द लाइक फर्दर स्टेटमेंट व्हिच इज गिवन इन द सेंटेंस, ये दिक्कत है. सर व्हिमसिकल का मैंने गूगल करा अभी, तो उसमें लिखा हुआ है कि इट इज स्पेशली इन एन अपीलिंग एंड अम्यूजिंग वे. Appealing and amusing way. अभी किसी ने यहाँ पे बोला था the fancy something. So the fancies. हाँ. Yes. So appealing in something way. Yes. So it is fancy. I mean it is amusing. तो ऐसा वाला बोलना है. हाँ. Is it amusing? Amusing. The party which claims to be the savior of the poor is the cause of rich farmers thwarting. So I think शायद ऐसे मुझे लग रहा था कि maybe हो सकता है कुछ ऐसा, but okay paradoxical. और sir paradoxical का exact meaning है कि जो दो सेंटेंस जो आपस में अलग होते हो, मतलब कॉन्फ्लिक्ट कॉन्ट्राडिक्ट करें एक दूसरे को, एक कोई भी सोच हो सकती है, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स इज समथिंग जो दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करे, इट इज समथिंग लाइक मुझ पर एक एहसान करना, मुझ पर कोई एहसान मत करना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, मतलब यू आर सीइंग समथिंग एंड यू एंड अगेन यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट यू आर क्लेमिंग. एंड सर एस्पाउजिंग का क्या एग्जैक्ट मीनिंग है? Espousing के लिए बोलेंगे बेसिकली उनको सपोर्ट करना, उनको राइज करने में हेल्प करना, ठीक है, वो हो जाएगा. Espousing is help them rise, ऐसा. मतलब ये पैराडॉक्सिकल है कि जो पार्टी पुअर को सेव करती है वो रिच फार्मर को राइज करने में हेल्प कर रही है, हेल्प कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है, ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग espousing, ठीक है. तो सर ये आयरनी वाले फॉर्म में ले सकते हैं ना? हाँ आयरनी ही है, बिल्कुल ये आयरनी ही हुआ. यस व्हेन वी आर सेइंग दिस इज पैराडॉक्सिकल, मतलब बेसिकली हम आयरनी बता रहे हैं, कैसी विडंबना है कि ऐसा हो रहा है, इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कि कहा तो उन्होंने ऐसा था बट दे आर एक्चुअली जस्ट सपोर्टिंग द रिच फार्मर्स, या ठीक है, तो दे आर रिच फार्मर्स, तो इट इज, और बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट का मतलब है दे आर मेकिंग देम स्ट्रांग, अभी इनको इनके साथ आना चाहिए था लेकिन इनको नहीं कर रहे हैं, बस इन्हीं की काम कर रहे हैं, ऐसा वाला है. दीपावली शुड नॉट बी एन ओकेशन, यस, वेयर कॉशन एंड कंसर्न गो अप इन स्मोक, यप बिल्कुल सही. नेक्स्ट देखिए बाकी लोग क्या लग रहा है इसमें, इसमें हम उसके लिए एक्चुअली जा सकते हैं, इसमें एक जो वर्ड दिया गया है प्लग, तो प्लग द लूपहोल्स जनरली बोला जाता है, वी शुड, अच्छा किसी और को कुछ और भी लग रहा था अगर हम इस पे ना जाए तो वो बताओ मेरे को, तो हम डिस्कस करते हैं कि वो क्यों नहीं होगा. Which one? B. 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 B.
It was somewhere relatable, but as you said, it's like knowledge of medicine to plug the loopholes. So loopholes are like particularly relevant for this line. Yes. Deal agar tha Niket, we should implement our traditional ways to utilize the knowledge of medicine to plug the efficiency in modern healthcare. Actually, plug the efficiency doesn't make any sense. ऐसा कोई phrase use किया जाता नहीं है. Plug the efficiency. और हमें शायद ये एक बार को दे रहा हो कि हम plug लगा रहे हैं. मतलब we are starting something. Actually, यहाँ पे plug का मतलब क्या है? Loopholes का मतलब क्या है यहाँ पे? Loopholes क्या होता है? कमियाँ. Yes. Loopholes are कमियाँ. किसी भी चीज़ में जो कमियाँ होती हैं, उसे बोलते हैं loopholes. बेसिकली हम इसे बहुत ज्यादा लाइक क्या बोलेंगे इसे लिटरल सेंस में ले रहे हैं ना. प्लग द लूपहोल्स. प्लग द लूपहोल्स का मतलब इफ देयर एनी होल्स व्हिच आर द फ्लॉ ऑफ द सिस्टम, तो हम उसमें एक्चुअली उसे प्लग कर रहे हैं, उसे बंद कर रहे हैं ताकि वो होल्स वहां से गायब हो जाएं. देयर आर नो फ्लॉज लेफ्ट इन द सिस्टम. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? लूपहोल्स इज कमियां और कमियों को दूर करना. तो हमें अपने वी शुड इवॉल्व आवर ट्रेडिशनल वेज. हमारे जो ट्रेडिशनल वेज हैं उन्हें हमें इवॉल्व करना चाहिए टू यूटिलाइज द नॉलेज ऑफ मेडिसिन टू प्लग द लूपहोल्स इन मॉडर्न हेल्थ केयर. तो ट्रेडिशनल तरीकों को इवॉल्व करना चाहिए ताकि मॉडर्न हेल्थ केयर में जो लूपहोल्स हैं उन्हें हम खत्म कर सकें, उन्हें बंद कर सकें. ठीक है, और प्लग द एफिशिएंसी, पता है अभी क्या है? आई एम वेरी श्योर कि वी शुड इम्प्लीमेंट. अच्छा लग रहा है इसमें, इम्प्लीमेंट एकदम सही जा रहा है इसका, कुछ भी गलत नहीं है. लेकिन ये कोई मीनिंग नहीं बन रहा इसका. प्लग द एफिशिएंसी कुछ सेंस नहीं बन रहा था, समझ में नहीं आ रहा कि इसका होगा क्या. ठीक है, ये दिक्कत है इसमें, इसलिए वी विल गो विद डी. क्लियर अनिकेत? नेक्स्ट सेकंड सेम केस पहले ऐसा क्या इंप्लीमेंट लेना और देन लूपहोल्स लेना ऐसा? अरे नहीं, इवॉल्व इज ऑल्सो नाइस वर्ड यहाँ पे, मतलब इट इज मेकिंग टोटल सेंस. इवॉल्व करना है जो अभी तक जो चीज है उसमें, उसे इवॉल्व करना है, आगे और बढ़ाना है, तो इट इज ऑल्सो फाइन. इवॉल्व भी चल सकता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. देखो एक जितने लोग लगा रहे हैं ना, आई एम टेलिंग यू, वो केवल पहला वाला ब्लैंक और पहला ऑप्शन देख के लगा रहे हैं. दैट्स इट. सच बताना, ओपनली चैलेंज अच्छा लगा ना सुनने में? पर सर एक चीज ये बताइए, बी और डी कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ तो पैरेललिज्म आ जाएगा ना. क्या बी और डी कैसे हो सकता है? मतलब आई मीन अभी मान लीजिए जैसे बी और डी में तो उनके ये सेकंड ऑप्शन पास्ट टेंस का है, तो ये वर्क करेगा? सेकंड ऑप्शन पास्ट टेंस का है सर. फैशन मूवमेंट भी तो पास्ट टेंस में ही हुए थे. अगर बोला जाए ठीक है, ही शाउटिंग राइट नाउ एंड ही वाज शाउटिंग देन. ठीक है, यू शाउटेड एट मी देन. तो अभी क्या है इसमें, पैरेललिज्म इज वन थिंग, वो हम कॉमा लगा के वर्ड्स लिख रहे होते हैं वो एक अलग चीज होती है. यहाँ पे हम दो अलग अलग बातें बोल रहे हैं एंड से कनेक्ट करके. पैरेललिज्म नहीं यहाँ पे. It is really sad that an organization which openly decries the constitution and national flag, जो ऐसा करता है and betrayed the national movement is not being changed. जो कभी हुआ होगा उसकी बात चल रही है. ठीक है, अब next thing is, चलो ठीक है हम मान लेते हैं, चलो यहाँ पे हम इसे स्टैंड बाय पे रखते हैं, बाकी options देखते हैं. First वाला जो सबको सही लग रहा है उसे देखते हैं. It is really sad that an organization which openly challenges, ठीक है perfect fine, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैलेंजेस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नेशनल फ्लैग. कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करना समझ में आता है, नेशनल फ्लैग को कैसे चैलेंज किया मेरे को बिल्कुल नहीं पता. ठीक है, कि क्या मतलब होगा उसका, चलो कर लिया बाय चांस. एंड सस्टेन्स द नेशनल मूवमेंट, क्या मतलब होगा सस्टेन्स द नेशनल मूवमेंट का? सपोर्ट दिस, फिर हम इसके लिए आंसर बता भी सकते हैं वाले को. यस बिल्कुल सही,
संदीप सस्टेनेंस उसके साथ में सस्टेनेंस के साथ में क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, पहले हम नेगेटिव बात बोल रहे हैं ना, हम बाद में पॉजिटिव बात बोल रहे हैं उसके बारे में, इसलिए सस्टेन नहीं होगा। सर डी 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 को देखते हैं। रिव्यू तो रिव्यू हमें पता है, ऑल्दो रिव्यू द नेशनल फ्लैग का कोई मतलब निकल नहीं रहा है, ठीक है नहीं मानूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और ये फ्लैग मेरा है, ओके कूल। इट इज रियली सैड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ओपनली डिसओन्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग एंड हेल्स द नेशनल मूवमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्स हियर? सर हेल का मतलब तो होता है कि आई हेल फ्रॉम इंडिया, मतलब मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं, एक वो मीनिंग होता है, दैट इज वन मीनिंग। अनदर मीनिंग, दूसरा मीनिंग क्या होता है? हेल द किंग ऐसा टाइप का होता है ना, हेल द किंग बोलते हैं ना, यस वही है ये, हेल द किंग हेल द क्वीन, बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं टू शो सपोर्ट। यस सर, ठीक है सपोर्ट, हां यस संजय देवी लिखा, ठीक है सपोर्ट बोल सकते हैं इस चीज को कि शो सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि हेल द किंग हेल द क्वीन, हेल गुगाम बोल सुना है ना, हेल हिटलर, ओ गॉड यही बोला जाता था, ठीक है हेल हिटलर उस टाइम पे भी ये बोलते थे सब, हेल हाइड्रा, अरे संदीप यार मैं आई वाज ऑलमोस्ट आउट देयर, ठीक है मैं वही पहुंचने वाला था बिल्कुल, आई वाज ऑलमोस्ट हेल हाइड्रा, ठीक है आई गेस सबसे कूल था वो वाला कैप्टन अमेरिका के हेल हाइड्रा बोलना, खैर मुझे सबसे मजा आ गया था वो देख के। वेल तो यस हाँ, तो सपोर्ट द नेशनल मूवमेंट, अच्छा अगर इफ सम एनी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग द नेशनल मूवमेंट तो वो सैड क्यों होगा? वो तो अच्छी बात होगी ना, वो एक चीज ऐसी सैड वाली नहीं होगी ना, तो सी नहीं होगा। और क्रिटिसाइज द नेशनल मूवमेंट, रिव्यूज रिव्यूज डजंट मेक एनी सेंस, हम बात करते हैं इसकी। डिक्राइज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिक्राइज? सर मतलब वो डेप्रिशिएट जैसा, मतलब किसी को मतलब क्रिटिसाइज, इसके लिए याद रख सकते हो इफ यू विल, ठीक है डिनाउंस भी बोलते हैं उसके लिए, यस मनु बिल्कुल सही, ठीक है डिनाउंस भी बोल सकते हैं हम लोग, डिक्राइज क्रिटिसाइज वाले वर्ड्स है उसके लिए, ठीक है। तो अभी देखो, इट इज रियली सैड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ओपनली डिक्राइज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग, अच्छा अभी इस चीज देखो, हो सकता है ये बार बार करता है इस तरीके का, जनरली करता रहता है इसलिए इसे प्रेजेंट में दिया गया, ठीक है, एंड अंदर नेशनल फ्लैग एंड बिट्रेड द नेशनल मूवमेंट, और उसने ऐसा किया था, नेशनल मूवमेंट को भी बिट्रे किया था एक बार, ठीक है, इज नॉट बीइंग चेक्ड, उसे रोका नहीं जा रहा, गॉट इट? अच्छा यस नो? यस सर, यस, सो वी विल गो विथ बी, ठीक है। अभी देखो ये इस तरीके की बेट्स आपको एग्जाम में मिलती रहती है कि ओपनली चैलेंजेस हमें एकदम सही लग रहा है, लेकिन आपको सेकंड वर्ड पे बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है, इतना जल्दी से हम एकदम से नहीं लगा सकते, और ऐसे ऑप्शंस बहुत आसानी से मिलते हैं कि जहां पे आपको पहला वर्ड दिया जाएगा विच इज कॉमनली यूज, विच इज सो लाइक सो कॉमन, जो हम बोलते हैं जनरली और सुनने में बहुत जल्दी से मिल जाता है, यू हैव टू लेट गो ऑफ दोज ऑप्शंस एंड यू हैव टू फोकस ऑन द अदर ऑप्शन एज वेल, ठीक है, दोनों ब्लैंक्स पे ध्यान देना है, कंटेक्स्ट को समझना है, देन आंसर करना है, एंड सबसे जरूरी पता है यहाँ पे क्या है, कंटेक्स्ट को समझना, सेंटेंस हम जो क्या कह रहे हैं, ठीक है। अनिकेत ने कहा चलो बाकी सब बातें करते रहो, मैं नेक्स्ट वाले के बताता हूँ, मैच्योरिटी कम्स टू दोस, अच्छा यहाँ पे दूसरा ब्लैक कहाँ पे बताओ अनिकेत, वेयर इज द सेकंड ब्लैंक, चार्टर के बाद, यस चार्टर के बाद है, अनिकेत ने देखा दास से पहले दा दो है, यस बिल्कुल ये पे करेक्ट, ठीक है। मैच्योरिटी कम्स टू दोज हु रियलाइज दैट द ह्यूमैनिटी इज चार्टर, व्हाट इज चार्टर? वैल्यूज चार्टर, चार्टर कभी कभी हम लोग बोलते हैं सम रिटन सेट ऑफ रूल्स, सम रिटन सेट ऑफ रूल्स जो फॉलो करते हैं कहीं पे भी, ठीक है, उसके लिए भी वर्ड बोल लिया जाता है, तो चार्टर उसके लिए बोल दिया जाएगा। सो मैच्योरिटी कम्स टू दोज हु रियलाइज दैट द ह्यूमैनिटी इज चार्टर,
embraces the whole small world. बिल्कुल सही है, बाकी सब किसी और ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं लग रही, ऑल्दो हम देख लेते हैं, देख तो सारे लिए होंगे आपने, ठीक है, बट यस ही इज करेक्ट, ए साउंड्स फाइन, ठीक है, चलिए, सो लेट्स कीप इट क्लियर टिल देन, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि कैसे हमें डबल ब्लैंक्स पे ध्यान देना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है. Vocabulary is one thing. यहाँ पे देखो words बहुत मुश्किल नहीं थे, यहाँ पे tech जो context था वो थोड़ा सा मुश्किल था, बस ऐसा था, words easy रहे थे इसके अंदर, तो ऐसे questions हमें मिलते हैं जहाँ पे vocabulary easy होगी but still हमें उस पे ध्यान देना होता है. चलिए thank you guys, we'll meet in the next class. सर ये कौन सा portion है, ये fill in the blanks वाला portion है, मतलब कौन सा portion है, मतलब अंधी क्या ग्रामर, अरे नहीं नहीं देखो अभी दैट्स व्हाई आई सेड ना, देखिए व्हेन वी आर डूइंग फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने आपसे बोला था कि हम कभी भी किसी एक चीज को कन्फाइन कर ही नहीं सकते कि इफ वी आर डूइंग फिल इन द ब्लैंक्स तो वो ग्रामर बेस्ड है या फिर वोकैबुलरी बेस्ड. आई टोल्ड यू कि सब कुछ कंबाइंड होकर चलता है, ठीक है, सब कुछ इंटरलिंक्ड है. हम अगर रीअरेंजमेंट्स कर रहे हैं तो भी क्या बोले हम लोग की रीडिंग सेक्शन है उसमें लेकिन ग्रामर भी इन्वॉल्व होता है. हम अगर पैसेजेस कर रहे हैं वो रीडिंग सेक्शन है लेकिन उसमें वोकैब भी होती है. जिसमें दोनों चीजें, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे दोनों चीजें लगेंगी. लिसन हम स्कूल में थोड़ी अभी हमारे पास आएगा ये ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी यहाँ पे रीडिंग सेक्शन से आएगा ऐसा वाला. इंग्लिश भी तो ऐसे ही होता है. यस क्लोजेस बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल वहाँ पे वोकैबुलरी भी होता है एंड वहाँ पे आपको ग्रामर पे भी ध्यान देना होता है साथ में, ठीक है. और अच्छा देखो अभी यहाँ पे वोकैबुलरी भी है थोड़ी थोड़ी, साथ में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बेसिकली आप जो पढ़ रहे हो उसका मीनिंग आपकी समझ में आए ऐसा भी है. तो यही है, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि रीडिंग को कंटिन्यू रखो, गो ओवर द वर्ड्स, ग्रामर हम लोग कर ही रहे हैं और ये सारी चीजें कंबाइन होके बहुत ही मतलब इजीली आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जैसे पैटर्न ऑफ द एग्जाम, ठीक है, आप बस इंस्ट्रक्शंस पढ़ो आराम से दो एग्जाम तक कैसा. चलिए फिर इसी आशा के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है, विद सम न्यू एक्सरसाइज. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय. Okay.